नमस्कार, डिजिटल ग्राफिक डिजाइनर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आईफोन एप्पल का लोगो कोरल ड्रॉ में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक बहुत ही आसान ट्यूटोरियल के माध्यम से ये सीखने वाले हैं हम। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। लोगो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम उसकी एक फ्रेम क्रिएट करेंगे, और फ्रेम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टूल बार पर जाएंगे और यहाँ पर हम एलिप्स टूल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में कंट्रोल होल्ड करके एक इवन शेप का सर्कल हम क्रिएट करेंगे। प्रॉपर्टी बार में इसका जो साइज है वो हम 5x5 पर सेट करेंगे। अब इसके बाद में हमें इसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है। कॉपी क्रिएट करने के लिए हम इसे ड्रैग करेंगे और राइट माउस क्लिक के साथ में हम इसे छोड़ देंगे, तो इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अभी जो कॉपी हमने क्रिएट की है, इस कॉपी की जो साइज है वो हम 2.5x2.5 पर सेट करेंगे। ये हमारा दूसरा सर्कल हो गया। अब इसके बाद में इसकी एक और कॉपी हम क्रिएट करेंगे और इसका जो साइज है वो हम सेट करेंगे 1x1 पर। अब ये तीन सर्कल हमारे पास में है, तीनों अलग अलग साइज के हैं। इन तीनों का यूज करके सबसे पहले हम हमारा फ्रेम बनाएंगे और उस फ्रेम के माध्यम से हम अपना जो लोगो है उसका एक परफेक्ट शेप पहले क्रिएट करेंगे, जिससे हमारा जो लोगो है वो परफेक्ट दिखाई देगा। ये जो सर्कल्स हैं हम इनकी कॉपीज यूज करेंगे, इनको ऐसा ही रहने देंगे। तो कॉपी क्रिएट करने के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया, इसे ड्रैग करेंगे और राइट माउस क्लिक करके हम इसे इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जहां भी सर्कल प्लेस करेंगे वहां पर इसकी हम कॉपी प्लेस करेंगे। इन दोनों सर्कल्स को अलाइन करने के लिए अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट टैब पर जाएंगे डॉकर्स में। अगर आपको डॉकर्स में ये टैब दिखाई नहीं देती है तो आप विंडोज मेनू में जाएंगे, डॉकर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये टैब डॉकर्स में दिखाई देगी। और यहाँ पे इस टैब में आप अलाइन सेक्शन में अलाइन सेंटर वर्टिकली इस पे हम क्लिक करेंगे, दोनों जो सर्कल हैं ये अलाइन हो जाएंगे। अब इसके बाद में ये वाला सर्कल हम लेंगे, वीडियो में जैसा दिखाया जा रहा है बिल्कुल उसी तरह से हमें सर्कल्स को प्लेस करना है। अब इसके बाद में यहाँ हमारी फ्रेम जो है लोगों की वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम टूल बार में जाएंगे, क्रॉप ग्रुप में यहाँ पे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट इस टूल पर हम क्लिक करेंगे और इस फ्रेम के कुछ अनवांटेड पार्ट्स हम डिलीट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो लोगो है उसका शेप बनकर तैयार है। अब इसमें हम कलर फिल करेंगे, लेकिन कलर फिल करने से पहले हमें इसके जितने भी नोट्स हैं उन्हें क्लोज करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले इस पूरे फ्रेम को हम सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और वेल्ड इस बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में डॉकर्स में जॉइंट कर्व्स ये इस टैब पर हम क्लिक करेंगे। अगर ये टैब आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देती है तो आप विंडोज मेनू में जाएंगे, डॉकर्स पे क्लिक करेंगे और फिर जॉइंट कर्व्स इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको डॉकर्स में एक टैब दिखाई देगी। उसके बाद में जॉइंट कर्व्स में एक्सटेंड इस ऑप्शन पर हम चेक करेंगे और उसके बाद में अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। इससे इसके जितने भी नोट्स हैं वो सभी जॉइंट हो जाएंगे और उसके बाद में हम इसमें कलर फिल कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो लोगो है वो बनकर तैयार है।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले समय में हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत।